महाराष्ट्र की सियासत में जून 2022 से शुरू हुई उथल पुथल अब तक जारी है। कभी महाविकास अघाड़ी सरकार के कप्तान बनकर राज्य की कमान संभाल चुके उद्धव ठाकरे आज वजूद की जंग लड़ रहे हैं। विधायक होने के बाद वह नाम और चिन्ह भी खो चुके हैं। अब कहा जा रहा है कि ठाकरे का यह नुकसान राज्य में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें बढ़ा सकता। साल 2022 में जब शिवसेना में फूट हुई तो असर सियासी कद पर भी पड़ा। सीएम पद गंवाने के बाद महाराष्ट्र विधानसभा में उद्धव की पार्टी के विधायक भी घटे। नतीजा हुआ कि विपक्ष के नेता की भूमिका एनसीपी की हो गई। हालांकि कांग्रेस और राकांपा भले ही ये कह रहे हो कि आने वाले चुनाव एबीए के तले ही लड़े जाएंगे, लेकिन चुनाव आयोग का फैसला उद्धव की पार्टी के विस्तार की योजनाओं को झटका दे सकता है। कहा जाता है कि एमबीए के तीन बड़े दलों में संगठन स्तर पर रणनीति बनाने और कार्यक्रमों के मामले में एनसीपी सबसे आगे है। पार्टी लगातार युवाओं के बीच संपर्क बनाने का काम कर रही है। पार्टी के प्रदेश प्रमुख जयंत पाटिल ने युवाओं से कुछ घंटे एनसीपी के काम में समर्पित करने की अपील की। पवार भी राज्य का दौरा कर रहे हैं। युवा नेता और विधायक रोहित पवार नई पीढ़ी के बीच पैठ बनाने की कोशिश में है। वहीं अजीत पवार सड़क से संसद तक भाजपा और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को घेर रहे हैं। एनसीपी जानती है कि सीएम पद हासिल करने के लिए उसे न केवल भाजपा शिंदे का सामना करना होगा बल्कि एमवीए का किंग भी बनना पड़ेगा। अब एक ओर जहां कांग्रेस आंतरिक कलह से जूझ रही है और शिवसेना वजूद की जंग लड़ रही है, तो पवार के लिए मौके बढ़ते नजर आ रहे हैं। पवार के कांग्रेस छोड़ते ही एनसीपी अस्तित्व में आई और 1999 के विधानसभा चुनाव में दावा पेश कर दिया। दाव पूरी तरह फेल नहीं हुआ और एनसीपी ने 22.6% वोट शेयर लेकर 58 सीटें हासिल की और तालिका में तीसरे नंबर पर रही। पहले नंबर पर 75 सीटों के साथ कांग्रेस, 69 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर शिवसेना थी, जबकि 56 सीटों वाली भाजपा चौथे स्थान पर रही थी। हालांकि दो दशकों में सियासी तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब भाजपा शीर्ष पर है और कांग्रेस सबसे पीछे। हालांकि शिवसेना और राकांपा दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। साथ ही शिवसेना का वोट शेयर भी 18% के आसपास बना हुआ है। खास बात है कि पार्टी कभी भी यह आंकड़ा पार नहीं कर सकी। अब जब शिवसेना फूट का सामना कर रही है तो इन 17-18% वोट शेयर पर सियासी नजरें हैं। खास बात है यह है कि राज्य में 55-60 सीटें ऐसी हैं जहां इन दो दशकों के दौरान एनसीपी और शिवसेना में सीधी टक्कर रही। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।